दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे नियमित अपडेट्स पाने के लिए प्रेस करें इस बेल बटन को, जिससे आपको हमारे सभी नियमित अपडेट्स मिलते रहें बिल्कुल मुफ्त में। जय माता दी। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मोर के पंख के बारे में और यह कितना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है अगर आप इसका सही से इस्तेमाल करते हैं। काफी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन मोर का पंख भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही ज्यादा प्रिय माना जाता है। इसके साथ ही यह आपकी तरफ खुशियाँ और सुख समृद्धि आकर्षित करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन इसके बारे में पता ना हो पाने के कारण काफी लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो आज दोस्तों हम आपको इसी बारे में बताएंगे, क्योंकि मोर के पंख से दुर्भाग्य तो खत्म होता ही है, इसके साथ ही सौभाग्य में और सुख समृद्धि में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने लगती है। वास्तु और ज्योतिष में भी मोर पंख को विशेष माना जाता है, जिसके बहुत ही ज्यादा शुभ फल भी प्राप्त किए जा सकते हैं। अब दोस्तों, आपको यह किस दिशा में लगाना चाहिए, किस प्रकार लगाना चाहिए और कौन से काम में यह आपके लिए फायदेमंद है, आइए जानते हैं। सबसे पहला तो दोस्तों, अगर आपका कोई भी काम अटका हुआ है या आपका पैसा कहीं पर अटका हुआ है, क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कमेंट बॉक्स में कि उनका कोई भी कार्य नहीं बनता है और बनते बनते कार्य बिगड़ जाता है, यह बहुत ही ज्यादा नुकसान वाली स्थिति होती है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी ना होने दिया करें। बनते बनते काम बिगड़ जाना एक दुर्भाग्य का संकेत है, तो इस दुर्भाग्य को दूर करने के लिए दोस्तों, आप अपने बेडरूम में मोर का पंखा लगाएं। जहां आप सोते हैं या फिर जहां पर आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, अपने ऑफिस में या फिर अपने कहीं भी कमरे में, आप वहां पर मोर का पंखा जरूर लगाएं। यह पंखा आपको पूर्व दक्षिण दिशा में लगाना है। इससे जितने भी आपके अटके हुए कार्य हैं, जिनमें बाधाएं आती थी, परेशानियां आती थी, वह दूर होती हैं और आपके बनते हुए कार्य नहीं बिगड़ते हैं। इसके साथ ही अगर आपका पैसा कहीं पर अटका हुआ है तो उसके भी योग बनते हैं, वह पैसा आपको वापस मिलने का योग बनने लगता है। लेकिन दोस्तों, आपको इसी दिशा में मोर का पंखा लगाना है। मोर का पंखा लगाने के लिए आपको शुक्रवार के दिन सूरज ढलने से पहले ही आपको यह पंखा लगा लेना है। इसके साथ ही दोस्तों, काफी लोग हमसे यह पूछते हैं कि उनके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं या फिर उनके बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हैं, कहना नहीं मानते हैं और बात बात पर बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती रहती हैं, जिससे घर की शांति भंग हो जाती है और कोई भी सही से कार्य नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, घर से कलह को दूर करने के लिए आपको दक्षिण पूर्व दिशा में जरूर मोर का पंख लगाकर रखना चाहिए। इससे नेगेटिव एनर्जी तो दूर रहती ही है, इसके साथ ही घर से ग्रह कलेश भी दूर होने लगता है। अब दोस्तों, काफी बार घर पर किसी की बुरी नजर लग जाती है, जिसकी वजह से भी दुर्भाग्य शुरू हो जाता है और काफी लंबे समय तक बहुत ज्यादा दुर्भाग्य लगा रहता है, क्योंकि आजकल काफी लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे से जलने लगते हैं, बुरी नजर लगाने लगते हैं, जिससे आपके कार्य बिगड़ने लगते हैं, आप परेशानी में आने लगते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर तीन मोर के पंख जरूर लगाकर रखा करें। ऐसा करने से घर पर किसी भी बुरी नजर नहीं पड़ती है और ना ही घर में बुरी नेगेटिव एनर्जीज भी प्रवेश कर पाती हैं, बल्कि आपके घर का माहौल सकारात्मक होने लगता है। इससे आपस में प्यार बढ़ने लगता है और ग्रह कलेश भी दूर रहता है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए तैयारियां कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने पास एक मोर का पंख हमेशा जरूर रखना चाहिए। इससे राहु केतु के दुष्प्रभाव तो दूर होते ही हैं, इसके साथ ही आपको बहुत ज्यादा सफलताएं मिलती हैं, आपके कार्य बनते हैं और आपके जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग भी खुलते हैं। एक मोर का पंख आपको हमेशा ही अपने पास रखना चाहिए। इससे आपके आसपास की एनर्जी भी पॉजिटिव रहती है और आपको हर कार्य में भी सफलताएं मिलने लगती हैं। इससे आपका व्यक्तित्व भी आकर्षक बनने लगता है। तो जरूर दोस्तों, इन चीजों को ध्यान रखें और अपने जीवन में जरूर किया करें, जिससे सभी दुर्भाग्य दूर हो सके और आपकी तरफ सुख समृद्धि आकर्षित हो सके। आशा करता हूं दोस्तों, आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं या आपकी कोई विशेष समस्या है या आप चाहते हैं हम आपके लिए वीडियो बनाएं, तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन के पास बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी जानकारी सही समय पर सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।